नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने। आजकल बनारसी दुपट्टे इस तरह के फिगर वर्क में काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। एक बार ये देखिए, इसमें पूरा फिगर वर्क है। ये ब्लाउज हो गया, दुपट्टा, दुपट्टे में पूरे बूटी और बॉर्डर, और रेंज वाइज भी ये ठीक है। बीच में बनारसी, यहाँ पे बॉर्डर एम्ब्रॉयडरी का हो गया। यहाँ देखिए, और ये नीचे का पूरा बॉर्डर, और उसके नीचे पाइपिंग भी दी हुई है। ये फिरोजी कलर मुझे जो इसमें लग रहा है, थोड़ा सा फिरोजी कलर लग रहा है, लेकिन ये फिरोजी नहीं है, सी ग्रीन कलर है। बहुत अच्छा कलर है, फिरोजी कलर नहीं, अच्छा मतलब इसके संग समझ आता, सी ग्रीन कलर है। कलर इज़ ओके। और ये रेंज वाइज भी पीस हैं, ये पीस बड़े रेंज वाइज हैं, आप आराम से बेच सकते हैं। सब ये 3000 से नीचे की रेंज में है, थोड़ा सा कम में। इसमें कोरियर चार्ज और प्लस GST भी लगेगा, और ये 3500 से कम की रेंज में है। एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, प्राइस इसलिए नहीं खोल रहा हूँ ताकि आपको बेचते समय तकलीफ नहीं आए। पहले तो आप ये देखिए, इसके कलर्स दिखाता हूँ। इसमें नेट का दुपट्टा है, इसमें कलर्स दिखाता हूँ। फ़र्क डिफरेंस सिर्फ दुपट्टे का है, उसी वजह से प्राइस बढ़े हैं। ये देखिए, वैसे लीजिए यहाँ पे। अभी कल भी एक कस्टमर आए थे, और वो कह रहे हैं, उन्होंने कहीं ऑनलाइन मंगाया तो ऑनलाइन कहने देखने में सेम लग रहा है, अब उसमें गैपिंग है, चीज़ में डिफरेंस बहुत है। तो जब भी कोई जाना देता है तो आपको ये भी होना चाहिए कि प्राइस ओके है नहीं है। ये देखिए, दुपट्टा फुल साइज़ का, ये ब्लाउज़ हो गया, मैं उसमें तो वो लगा हुआ था, फ्रंट नेकलाइन स्टाइल, बैक, और ये स्लीव्स के लिए, उसको फुल स्लीव भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से बन सकता है। ये देखिए, वहीं पर खोल के रखा हुआ, ये देखिए पिस्ता कलर। काफ़ी सारे लोग इसलिए नहीं लेते रेड कलर, उन्हें इस तरह के कलर होते, क्योंकि रेड कलर या मैरून में काफ़ी सारी चीज़ हो जाती हैं, पर ये अलग हटके जो कलर्स होते हैं ना, ये कम मिलते हैं और चलते ज़्यादा हैं। यदि रेड ले लेंगे आप इसमें भी, और वेडिंग का जो वैसे साड़ियाँ होती हैं, जो हैवी साड़ीज होती हैं, वो तो रेड चाहिए चाहिए होती हैं। ये देखिए, ये इसका दुपट्टा हो गया, इसका ब्लाउज हो गया, और ये सारे पीसेस बहुत अच्छे से आप इसमें मार्जिन रख के बेच सकते हैं। बाकी तो अब तो एक दो फाइनल टेस्टिंग चल रही है हमारी ऐप पे, जो मार्जिन ऐड वाला फीचर है, लेकिन काफ़ी सारे कस्टमर अभी भी हमसे उस पर काम कर रहे हैं, और अभी हम थोड़ा सा मैनुअल काम कर रहे हैं, मार्जिन ऐड करके कस्टमर को सीधे COD पे भेज रहे हैं। तो जितने भी रीसेलर्स हैं, शॉपकीपर्स तक, आज की डेट में शॉपकीपर्स भी हमसे लेके सीधे आगे डिलीवर करवा रहे हैं, क्योंकि कस्टमर इतना आ नहीं रहा, घर बैठ के परचेजिंग करना ज़्यादा बेटर समझ रहे हैं। कोरोना में वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप भी घर बैठ के जितने शॉपकीपर्स हैं, किसी भी अपने कस्टमर पर अपना मार्जिन ऐड करके भिजवा सकते हैं। आपका बिल जो है वो मैं मेल पे भेज देता हूँ, अपना ईमेल देंगे तो मेल आईडी ऐड करने के बाद हम उसको मेल कर देते हैं बिल को। ये देखिए, आ गया कलर, इसके पास से क्लोजअप ले लिया ना आपने सभी का, ऐसे कलर्स थोड़े से चेंज लग रहा है। ये कलर भी यह कपूरी रंग है, और ये फिरोजी लग रहा है, तो कलर्स के लिए तो कुछ ही नहीं करा जा सकता, कलर चेंज लगते ही है, माइनर डिफरेंस होता है। वैसे कलर बहुत प्यारा है, ये कैमरे और लाइट की वजह से होता है, सेंसिटिव कलर्स हैं। ये होगी अब ये वाली ना, दूसरा, एक सेकेंड इसको मैं, ये देखिए इसमें पास से आ जाओ, पूरा क्लोजअप लो,
ये 3500 से कुछ कम किया है। यहाँ पे प्राइस एग्जैक्ट प्राइस नहीं खोल रहा हूँ ताकि आपको बेचते समय तकलीफ़ नहीं आए। इसके दूसरे कलर भी दिखा रहा हूँ, इसमें कम रेंज भी आ गई है, कम रेंज भी मैं आपको कल की वीडियो में दोबारा दिखा दूँगा कम रेंज के लहंगे। और वेडिंग लहंगे भी काफ़ी सारे नए डिजाइन वो भी आ गए हैं, वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मेन फ़र्क दुपट्टे का है, डिज़ाइन का तो है ही है इसमें। ये देखिए इसमें बनारसी दुपट्टा लिया, पूरा बनारसी दुपट्टा एम्ब्रॉयडरी वर्क के साथ। और ये इसका ब्लाउज हो गया, देखिए पास से क्लोजअप ले लो उसको भी। सब में कंट्रास्ट वो आएंगे दुपट्टे, ये देखिए ये देखिए लाइट का इफेक्ट होता है यहाँ पे, लाइट ऊपर से आ रही है, ये होगा थोड़ा से आगे कर लीजिए कलर चेंज हो गया, ये डिफरेंस होता है लाइट का। ये इसका दुपट्टा देखिए और ये ब्लाउज, इसमें सस्ती रेंज भी है इसी तरह की, देखने में सेम लगती है और इससे महंगी भी आती है। फिलहाल मैं अभी आपको ये रेंज मिड रेंज से शुरू हुआ हूँ, मिड रेंज दिखा रहा हूँ, फिर इसके बाद कम रेंज दिखाऊंगा, फिर इससे हैवी रेंज दिखाऊंगा। ये दुपट्टा हो गया और ये ब्लाउज हो गया इसका, वे रामा कलर है और उसमें कलर चेंज लग रहा होगा है ना, उसमें कलर चेंज लग रहा है भैया बता रहे हैं मोबाइल में कलर चेंज लग रहा है। तो ये कलर का डिफरेंस आ जाता है, ये देखिए येलो कलर परफेक्ट कलर, देखते ही पसंद आए, लेकिन ये कैमरे की क्वालिटी, कैमरे की वजह से कई बार चेंज हो जाते हैं। क्लोजअप ले, हर चीज़ के पास में आके क्लोजअप ले लो। ऊपर से जरी चमकनी चाहिए, इसका भी पास से आके क्लोजअप लो बूटी का। यहाँ पे ये दिखाइए, हो गया इसके ऊपर कोरियर चार्जेस और 12% GST, 12% GST और लगेगा। देखिए क्या होता है, एक बात समझिए कस्टमर क्या चाहता है, हो सकता है मैं भी यही चाहूँ कि जो पीस है उसके ऊपर कहते हैं सब कुछ ऐड करके बता दो, 2000 का पीस है, 120 रुपीज़ कोरियर चार्ज लगे, आपके GST लगा, COD अमाउंट भी लगेगा, ठीक है, कोरियर चार्ज उसके ऊपर GST भी लगना है। अब व्हाट एवरीबडी वांट्स कहेंगे आप 2 से 2500 बता दो, लेकिन सब कुछ इंक्लूड बता दो। हालांकि मेरे घर में तो मार्जिन एक्स्ट्रा आना है, मेरे मुझे नुकसान नहीं है, कोई भी अपने घर से तो बेचते ही नहीं ना, घर से मतलब अब नुकसान से तो बेचेगा नहीं, जो भी कॉस्टिंग आ रही है उससे कम है, अब फिर क्या होगा, पैसे तो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, लेकिन जो कस्टमर शॉप पे आ रहा है उससे वो 120 रुपीज़ एक्स्ट्रा क्यों लूँ, या जो कस्टमर पे कर रहा है, ये तो सारे 100% पेमेंट पे ही जाते हैं, COD पे नहीं जाते, मैं साड़ी की बात कर रहा हूँ, 100% पेमेंट पे जाएंगे, साड़ी में जो कस्टमर साड़ी के पे कर रहा है उससे COD अमाउंट क्यों लिया जाए, वाई। तो
मेरा वो ये रहता है कि ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी से बहुत काम होता है, बल्कि ज़्यादा बढ़िया और बेहतर काम होता है। ठीक है, एक बार काफ़ी सारे कस्टमर छूट जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब मिलते हैं ना तो वो परमानेंट हो जाते हैं, मुझे ये पता है। तो सर मैं तो शॉपकीपर्स भी जितने होते हैं उनको भी सबको कहता हूँ ईमानदारी से काम करो। खोलो इसका दुपट्टा, मुझे तो आप खोलो, ये नेट का दुपट्टा है। तो मैंने आपको बताया नेट के दुपट्टे जो हैं वो 3000 से कम की रेंज के हैं, और वो जो हैं वो 3500 से कम की रेंज के हैं। एग्जैक्ट प्राइस आप मेरी ऐप पे देख सकते हैं। ऐप पे अपलोडिंग होने में, चूंकि अभी अभी माल आया, मैंने आते ही सबसे पहले आपको दिखा दिया, तो हो सकता है शाम तक टाइम लग जाए, शाम तक का टाइम लग जाए, कोशिश रहेगी शाम से पहले पहले हो जाए। ये देखिए इसका पास से क्लोजअप ले लो, बहुत बढ़िया, यहाँ से लीजिए। एक बार लाइट जलाना, लाइट में कितना चेंज हो रहा है, लाइट में देखना भैया कितना चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो गया, एग्जैक्ट आ गया, ये एग्जैक्ट आया है, बल्कि है। एक सेकंड वो और दे ना जरा, लाइट जला के अभी ये कलर कैसा आ रहा है, गेटअप तो बहुत अच्छा है, है सेम आ गया, देना गाजरी भी देना, मैंने कम लाइट में दिखाया था। ये देखिए अब एग्जैक्ट आ रहा है, पास से लो क्लोजअप इसका। बल्कि पहले से बेटर आया मेरे ख्याल से कलर्स, तो सही है। एक ये और दे दो, कोई सा भी एक दो पीस और दे दीजिए, ये भी उठा दो, ये देखिए। मुझे ध्यान नहीं रहा पहले, आपको पहले ही लाइट में दिखाते हैं, तो लाइट में ये देखिए। चलो बस इतना ही काफ़ी है, वेट फोटो जो खींचेंगे आप लाइट में लगा के खींचिएगा, ठीक है। बस जी ये सारे पीस मिल जाएंगे भाई मेरी ऐप पे। मैंने बताया कि मार्जिन वाले फीचर में हमारा फाइनल टचिंग चल रही है, वो हो गया, और बाकी काफ़ी सारे कस्टमर हमसे अभी भी जुड़े हुए हैं, रीसेलर्स जो ऐप पे मैनुअल काम कर रहे हैं, हम उनके लिए जो अपने COD पे पीस भिजवा रहे हैं, तो COD पे आप किसी के पास भी पीस भिजवा सकते हैं अपना मार्जिन ऐड करके। ये फीचर बहुत अच्छा है, आप उसके में आपको मार्जिन भी जैसे ही डिलीवर होगा, डिलीवर होने के 7 डेज के अंदर अंदर मेरी गारंटी आपके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। हम मतलब यहाँ से ट्रांसफ़र कर चुके होंगे, हमारी कोशिश ये रह रही है कि उससे पहले ही कर दें, लेकिन 7 दिन का टाइम तो हम लेके चल रहे हैं कि कम से कम होता है। फिर क्या होता है, कोरियर कंपनी भी जिस दिन प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, सपोज़ आज हुआ, तो मेरे अकाउंट में आज पैसे नहीं आएंगे, मेरे अकाउंट में दो तीन दिन में 4 दिन में पैसे आएंगे कम से कम। वो भी ये कि हमारा बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली काम चल रहा है, बल्क में चल रहा है, अदरवाइज़ वो ही 7 to 10 days लेते हैं। कोरियर कंपनीज भी 7 to 10 days लेती हैं, लेकिन हम भी, हमारा काम ज़्यादा चल रहा है, हमारा 3-4 दिन में पैसे आ जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ हम कोशिश ये है कि 7 डेज़ के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएं। हम भेज देंगे वो सारे के सारे, जैसे ही हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं ट्रांसफ़र कर देंगे। और मन की बात में एक तो सबसे पहली बात, आज तक अभी मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि पानी बचाने के क्या क्या उपाय होने चाहिए, किसी ने मुझे कोई सजेशन नहीं दिया। जानबूझ के मैंने कहा था कि पानी बचाने के सजेशंस आप दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कि लोग कितना अवेयर हैं, कितना एग्जैक्टली सुन रहे हैं। तो किसी भी, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन, किसी ने भी हज़ारों में से किसी भी आदमी ने मुझे उसके बारे में नहीं बताया। यार कोई बात नहीं, आज मेरे मन में जो है समय और भाग्य, टाइम और लक कभी भी एक सा नहीं रहता, नेवर, हमेशा चेंज होता रहता है। तो घमंड किस चीज़ पर, मैं इस पर घमंड करूँ, मैं इतने बड़े दुकान का मालिक हूँ और मैं इस तरीके से हमारा काम चल रहा है, इतनी आइटम बना, मतलब ही नहीं। आप किस पे घमंड कर रहे हो, एक बार समझिए, जिस पे बहुत ज़्यादा काम है वो भी, जिस पे कम है वो भी, कोई ताकत पे घमंड कर रहा है, कोई कुर्सी पे घमंड कर रहा है, कोई पैसे पे घमंड कर रहा है, कोई रूप रंग पे घमंड कर रहा है, कोई भी चीज़ एक सी नहीं रहती। उन हीरो या हीरोइंस की सोच लो जो किसी टाइम में बहुत स्मार्ट लगते थे, यंग एज में तो सारे जने स्मार्ट लगते हैं, एज होने के बाद तक आदमी बस सूरत लगने लगता है,
बहुत अजीब सा, बस सूरत में झुर्रियाँ आ गई, अजीब सा फेस भी, काफ़ी सारी हड्डियाँ बढ़ जाती हैं, कुछ होता, वो सबके साथ ही होता है। पैसा टिकने वाली चीज़ है, कल आपके पास नहीं था, आज बहुत सारा है। कई कुछ फ्यू पीपल्स ऐसे होते हैं जो पैदा भी अमीर हुए थे और मरते भी अमीर हैं, लाइफ में उनके भी उतार चढ़ाव आते जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास कल कुछ नहीं था, आज बहुत अमीर है, बहुत अमीर थे, आज कुछ भी नहीं है। तो घमंड किस चीज़ पे यार? कल आपके पास जो कुर्सी थी, कुर्सी का घमंड करो कि आज मैं इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठा हूँ, गवर्नमेंट के मतलब ये किसी भी उसमें हाई पोजीशन पे हो, उसका घमंड करो। क्या पैदा जब हुए थे तो उसी कुर्सी पे थे? नहीं, कुर्सी मिल गई, आज कुर्सी का घमंड हो गया, मतलब राजा बन गए तो घमंड हो गया? नहीं, किस चीज़ का? हर एक से एक ही रिक्वेस्ट है, घमंड किसी का नहीं रहा। पुरानी कहावत है, घमंड तो राजा रावण का नहीं रहा, फिर आप और मैं किस चीज़ की है? सर प्लीज़ सोचिएगा इस बात को, बहुत छोटी सी बात है, और आपको बात सही लगे तो ज़रूर इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और इसी तरह प्यार देते रहे। धन्यवाद, आप लोगों को दिन शुभ हो।